हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी और फाइनली आपके सामने खड़ी है नई नवेली किया सोनेट, जिसका लोगों को काफ़ी दिन से इंतज़ार था। ये जो सेगमेंट है ना, सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकने वाला सेगमेंट है। इसी वजह से चाहे किया हो, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो या फिर हुंडई हो, मारुति सुजुकी हो, इस सेगमेंट के ऊपर बहुत फोकस करती है। इस सेगमेंट के गाड़ी को मार्केट में लाने में सबसे आगे रहती है। तो ये सोनेट का सबसे टॉप वेरिएंट से एक नीचे वाला वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट एक्स लाइन नाम से आता है, ये आता है जीटी लाइन से, लेकिन टॉप वेरिएंट इतना जो भी फीचर्स है वो भर भर कर किया ब्रांड वालों ने इस बार इस वाली गाड़ी में दिया है। 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन जो है वो इस वाली वेरिएंट में लगा हुआ है। हालांकि एक शोरूम ना आना स्टार्ट हो जाता है 7,99,000 रुपये से, तो प्राइस भी वैसा कोई खास बढ़ा है नहीं, 20,000 रुपये पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन आप देखते हो फीचर्स तो वो पैसा वसूल वाला चीज़ है। और ये लेने जाते हो इसके लिए आपको एक शोरूम देना पड़ता है 15,59,000 रुपये और ऑन रोड चला जाता है 18,41,000 रुपये करीब अपने पटना बिहार में। तो आ जाओ यार, सबसे पहले गाड़ी का लुक देख लो। लुक के मामले में तो पर्सनली बताएं, सेगमेंट का किंग कह सकते हैं। फीचर्स अपने जगह, सेफ्टी अपने जगह, लेकिन जो डिज़ाइन दिया है ना किया वालों ने, बोल्ड बोल्ड सा, चौड़ा चकला सा हेडलैम्प, हालांकि डायमेंशन वायमेंशन सेम है, बट ये जो डिज़ाइन है हेडलैम्प का, इससे गाड़ी चौड़ी चकली से लगती है। पीछे साइड भी चलोगे आपको सेम चीज़ फील होगा। यहाँ पर आपको मिल जा रहा है LED वाला इंडिकेटर, इसी में आपका जलता है DRL, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प मिल जाता है, DRL जो है वो आपका यहाँ तक रन होकर आता है। फॉग लैंप जो है वो आपको मिल रहे हैं LED वाले, पहले प्रोजेक्टर में मिलता था, टॉप वेरिएंट में लेते थे नॉर्मल हेलोजन मिलता था, लेकिन अब सारा लाइट का सेटअप जो है वो हो गया है LED। और चार फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, पियानो ब्लैक कलर का ग्रिल हो गया, फ्रंट कैमरा यहाँ पर हो गया, क्योंकि 360 कैमरा भी इस गाड़ी को भाई नसीब हो गया अभी के टाइम 2024 में। एडास का फीचर है वो भी आपको इसमें मिल जाता है, एडास के सेंसर यहीं कहीं पर लगे हुए होंगे, बाकी गाड़ी में तो दिखते हैं लेकिन इनका पता नहीं, शायद इस जगह होगा। हाँ, वायरिंग देखो, ये रहा, यहाँ से आपको वायरिंग दिख रहा होगा, तो ये चीज़ मिल जाता है। फ्रंट यहाँ बोनेट का बात करें ना, तो भाई सेम बोनेट है, अभी हमने मेज़र किया मोबाइल यहाँ पर रख कर मेज़रमेंट वाला, तो -14 डिग्री जो है स्लोप आ रहा है इस जगह, मतलब सेंटर से, वही सेम चीज़ उसमें भी आ रहा है। तो गाड़ी के डायमेंशन पुराने इतना ही सेम है, ऐसा नहीं है कि डायमेंशन बढ़ाया गया इस वजह से चौड़ा चकला से लग रहा होगा, बस डिज़ाइन की वजह से लग रहा है। यहाँ आ जाते हो तो आपको मिलता है 16 इंच का अलॉय व्हील, 215/60 R16 फ्रंट में डिस्प्ले कैलिपर, ORVM पियानो ब्लैक कलर का, यहाँ पर कैमरा मिल जाता है, डोर हैंडल्स बॉडी कलर के, नीचे साइड में क्रोम कलर का लाइन मिल जाता है, और पीछे साइड में भी आपको अब चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक कैलिपर देखने को मिलेगा, जो अभी तक सेगमेंट में XUV 300 में आया करता था, अब जो है सोनेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस तो सेम है पहले इतना ही, टैंक कैपेसिटी लगभग 37-40 लीटर का होगा। ऊपर साइड में रेफरेंस मिल जाता है पियानो ब्लैक कलर का, ये चीज़ जो टॉप है यानी रूफ है डुअल टोन कलर है, नीचे बॉडी वाइट कलर, ऊपर साइड में ब्लैक कलर का। शार्क फिन एंटीना हो गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर वाइपर डिफॉगर, और ये रियर का लुक थोड़ा आप अच्छे क्वालिटी में देखो, ये 1X पे पीछे साइड से ना भाई मिलता जुलता लगेगा। एक नज़र सेल्टोस के ऊपर डालो, एक नज़र सोनेट के ऊपर डालो। रिवर्स लाइट जो है वो अब यहाँ पर आ गया है, जो है नॉर्मल हैलोजन वाला। रियर कैमरा, इंडिकेटर LED वाला मिलता है, और ब्रेक लैंप आपका ये है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में स्ट्रिप टाइप का जो डिज़ाइन है वो चीज़ है भाई। ये जो भी फीचर है वो आपको यहाँ पर जा रहा है मिल। और सेगमेंट में एडास वाला जो सिस्टम है वो पहली बार इस गाड़ी में है, ऐसे आता था MG वालों ने लाया था थोड़ा ऊपर वाले सेगमेंट में, लेकिन जो 4 मीटर से छोटा सेगमेंट है उसमें एडास फीचर वाली फर्स्ट कार है। बोस का सबवूफर मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है बूट लैंप नॉर्मल हैलोजन वाला, ये है आपका नॉर्मल स्टील रिम जो है स्पेयर टायर, और सीट 60/40 में फोल्ड अनफोल्ड होगा, बूट स्पेस 392 लीटर का मिलता है। तो चलिए जी, इसको कीजिए यहाँ से बंद।
अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की चाबी। चाबी तो सेम सेल्टोस वेल्टोस वाला जो है वही सेम चीज देखने को मिलेगा। ये हो गया भाई गाड़ी अपना लॉक। आ जाओ अब थोड़ा नजर डालते हैं इस जगह, इस चाबी के ऊपर। टोटल चार कंट्रोल से गाड़ी लॉक करना है। लॉक करने पर वो आरबीएम फोल्ड अनफोल्ड होगा, अनलॉक करने पर अनफोल्ड होगा। इसे होल्ड रखते हो तो आपका इंजन हो जाता है स्टार्ट। जैसे कि ये लॉक किया और इसे होल्ड रखा, देख रहे हो। नेक्सॉन वाले देते होंगे आपको क्या ये फीचर, कभी नहीं भाई कभी नहीं। इसे वापस से होल्ड करते हो तो इंजन आपका हो जाता है बंद और ये मिल जाता है टेलगेट अनलॉक करने से रिलेटेड। किया का लोगो हो गया। गाड़ी का ना सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो भाई गाड़ी का लुक लगा। इस चीज़ में वाव किया मुंह से निकलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल आपको यहाँ पर जाता है मिल। ये है आरबीएम से रिलेटेड, एडजस्ट करना हो फोल्ड करना हो उसके कंट्रोल। चारों पावर विंडो के कंट्रोल है। एक्स लाइन में जाओगे तो आपको चारों जो है वन टच अप वन टच डाउन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ड्राइवर साइड वाला सिर्फ वन टच अप वन टच डाउन मिलता है। हाँ, एडास का एक चीज़ और दिखाना रह गया। ये देखो यहाँ पर आपको सेंसर जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर हो गया। ड्राइवर वाला जो सीट है वो आपको मिल जाता है। एक दो तीन चार फोर वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट। हालांकि हाइट एडजस्टमेंट जो है ये आपको मैनुअल करना होगा। ये चीज़ है ना, ये पसंद नहीं आता है हाइट एडजस्टमेंट, धीरे धीरे खुटर खुटर करते जाओ। इससे अच्छा आप इससे दे देते इलेक्ट्रिक वाला और आगे पीछे करने वाला मैनुअल रहने देते यहाँ जो आता है। तो भाई कोई शिकायत वाला बात था नहीं, जनता खुश हो जाती। बोस का आपको स्पीकर मिलता है, यहाँ पर बैज मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिलता है। अंदर साइड बैठते हो फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। ये हो गया आपका लीवर और स्टेयरिंग व्हील जो है ये अपना है लेदर रैप्ड वाला वाइट कलर का। इसके ऊपर स्टिचिंग मिल जाएगा। एडास का जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पर जाता है मिल। उससे रिलेटेड कंट्रोल्स ये हैं आपके इस MID से रिलेटेड। ये हैं आपके इस 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। स्टेयरिंग के ऊपर GT लाइन का बैज, पैडल शिफ्टर मिल जाता है क्योंकि है ऑटोमेटिक वाला। प्लस माइनस करना, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का कंट्रोल मिलेगा। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर ये भाई मैनुअल वाला है शायद, तो मैनुअल मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है वो यहाँ से कर लोगे। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ से कर लोगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल, और इस जगह आप आते हो ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं आपको। MID जो है ये भी यार बदल गया है, 10.10.25 साइज का जो है वो हो गया है। यहाँ देखो तीन आपको मोड्स मिलेंगे, इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल। ये हो गए ट्रैक्शन से रिलेटेड, ये है स्नो हो गया, मड हो गया, सैंड हो गया, तो ये मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का। 360 कैमरा देखना है तो वो आप यहाँ से देख लो। देखो 360 कैमरा बेसिक से आपको इस गाड़ी में मिल जा रहा हो, लेकिन यार क्वालिटी जो है नेक्सॉन या हैरियर सफारी में वो ये गाड़ी बीट नहीं कर सकती। उसका एक अलग क्वालिटी है, तगड़ा सा मिलता है जो इसमें आपको मिसिंग लगेगा। वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाता है को पैसेंजर साइड का। ये है अपना ड्राइवर साइड का। AC का सारा कंट्रोल यहाँ पर है। डिज़ाइन विज़ाइन जो है वो थोड़ा बहुत पुराना जैसा ही लगेगा। डैशबोर्ड के ऊपर आप देखोगे तो नीचे साइड आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, USB वाला चार्जिंग सॉकेट, टाइप सी वाला चार्जिंग सॉकेट, 12 वोल्ट 180 वाट का चार्जिंग सॉकेट। और ये अपना है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर लीवर। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, दो बोतल होल्डर यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाते हैं जिसमें एयर प्योरीफायर मिल जाता है जो आपका से आवाज़ करता है। ऑटो डिमिंग वाला IRVM, सनग्लास होल्डर, रीडिंग लैंप आपको मिलता है। ये क्या दे दिया भाई, इसे आप LED दे सकते थे भाई, नॉर्मल हैलोजन ही छोड़ दिया है। लोग आफ्टर मार्केट करवाएंगे और क्या। यहाँ पर मिल जाता है आपको सनरूफ छोटे से साइज का। ये MID में ना इंफॉर्मेशन भरे पड़े हैं, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन। क्रूज कंट्रोल का ये बटन हो गया, एडास का ये वाला बटन था। यहाँ से आप एडास में अगर आपको देखना है वो चीज़ आप देख पाओगे। लेवल 1 का इसमें आपको एडास मिलता है जिसमें फ्रंट क्लोजिंग वार्निंग हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया, लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया, यही सारा चीज़ आपका काम करेगा इसमें। तो देखो मैं पर्सनली बताऊँ तो एडास जो फीचर है ना छोटे गाड़ी के लिए मुझे नहीं उतना कुछ खास लगता, लेकिन कंपनी वाले दे इसके अलावा कुछ और चीज़ कर सकते थे। जैसे कम बदनाम है थोड़ी सेफ्टी मजबूती को लेकर, सेफ्टी फीचर्स अच्छे खासे हैं देखो, उसको लेकर कोई कंप्लेन है नहीं, लेकिन
मजबूती बढ़ाया जा सकता था ये एडास का फीचर को थोड़ा साइड करके, तो काम चल जाता। ये सही है भाई, सेल्टोस में ना बड़ा दबा दबा सा फील होता है, ये ऊंचा सा यहाँ पर है, लग रहा है कि हाँ कुछ है, कोई जगह। ग्लो बॉक्स यहाँ पर मिल जाते हैं, एम्बियन लाइट आपको मिलेंगे नीचे साइड, हालांकि लाइट जो है वो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए ताकि दिखना चाहिए, विजिबल है नहीं, रात में सिर्फ लाइट दिखेगा, लंबा सा लाइनिंग दिखने वाला है नहीं। और क्या रह गया, ट्विटर यहाँ पर है, ट्विटर यहाँ पर है। ये आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर मिल जाता है, इस जगह आपको मिल जाएगा फ्यूल लेवल इंडिकेटर इसके नीचे साइड, और ये सिपिंग मोड पर है, एवरेज क्या दे रहा है वो बताएगा, इसे आप चेंज करना चाहो। टैकोमीटर देखो यहाँ पर आ गया, ओके जी। TPMS VPMS जो है, माइलेज वाइलेज सारा कुछ चीज़ बता देगा आपको इसमें, डिजिटल स्पीडोमीटर भी आ जाएगा, रेंज क्या बचा हुआ वो चीज़ यहाँ से मालूम चलेगा। तो ये है भाई गाड़ी का फ्रंट साइड से कुछ ऐसा सा इंटीरियर। ऊपर साइड जो रूफ है ये मिलता है ब्लैक कलर का, वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, इस साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। अब आ जाइए पीछे, सीट्स जो है वो आपको मिलते हैं लेदर वाले, और वेंटिलेटेड तो आपको बता ही दिया कि वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगे। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कर्टन मिल जाता है, इनका देखा देखी टाटा वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भी देना स्टार्ट कर दिया। पावर विंडो का कंट्रोल हो गया, बोस का यहाँ पर स्पीकर, लेदर फिनिश इस जगह मिलता है, और इसे पकड़ के बंद करने में मज़ा आता है। वैसे कंपनी वाले चाहते तो इसे पैक कर सकते थे, चाबी रखना हो कोई छोटा मोटा चीज़ वो आप यहाँ यूज़ में ले लेते। बॉटल होल्डर हो जाता है, और अम्ब्रेला होल्डर तो मिलता है नहीं। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स, दो टाइप सी वाला चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए स्पेस, मैगजीन होल्डर यहाँ पर भी आपको मैगजीन होल्डर मिलेगा, ये भी नॉर्मल आपको हैलोजन वाला मिलता है। हेडरेस्ट मिल जाता है एडजस्टेबल, बीच वाले पैसेंजर के लिए नहीं मिलेगा, और आर्मरेस्ट मिल जाता है बीच में। तो ये है भाई गाड़ी का कुछ इंटीरियर, बैठने बैठने में सेम है, स्पेस वेस्पेस भी लगभग कह सकते हैं सेम है। एयरबैग 6 मिलेगा, ये निराश कर दिया, एडजस्टेबल हेडरेस्ट सॉरी सीट बेल्ट देना चाहिए था जो आपको नहीं मिलता है, बड़ा तो दुखी है भाई। नेक्सॉन वाले ना आपको, यानी टाटा वाले यहाँ पर सनग्लास होल्डर नहीं देते हैं, लेकिन इसमें आपको सनग्लास होल्डर जो है वो जाएगा मिल। अब आ जाइए इंजन की तरफ, इंजन की थोड़ी बात हो जाए। इंजन टोटल 3 तरह के मिलता है आपको, एक है पहले इसको ओपन करते हैं फिर बताते हैं। ये है अपना 1.5 लीटर का डीजल इंजन, 114 पीएस का पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। इसे में आप टर्बो वाला लोग हैं ना, तो वो 120 पीएस का पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है डिलीवर करेगा 1 लीटर का। एक और नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है, वो भाई पावर क्या बताना, काफ़ी हल्का हल्का सा फील होता है गाड़ी के हिसाब से। अगर आप इतनी बड़ी सी, मतलब बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सेगमेंट माइंड में लेकर चल रहे हो और वो इंजन के साथ चलोगे तो हल्का हल्का कमज़ोर सा फील होगा। लेना है तो टर्बो लो, या फिर लेना है तो ये वाला डीजल इंजन लो, फिर मौज आपके हैं गाड़ी के साथ। तो यही ओवरऑल फीचर्स है जो मिलता है बेस वेरिएंट से। आपको सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, बेशक से गाड़ी में सेफ्टी स्ट्रेंथ जो है वो ना बढ़ाया गया, लेकिन सेफ्टी फीचर्स टोटल 6 एयरबैग्स, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये जो भी है ब्रेक असिस्ट वसिस्ट जो है ना, ये सारा कुछ आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक कैलिपर बेस वेरिएंट से दे देते हैं कंपनी वाले। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ बी सेफ।